एक्सक्यूज मी सर, यस, यहाँ पर ऑडिशंस हो रहे हैं क्या? जी हाँ, आप वेट कीजिए, आपको बुलाया जाएगा। ठीक है सर। ऑडिशन? यस। मैं यहाँ पर आई थी, उन्होंने कहा कि मैं इस कैरेक्टर के लिए फिट हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत नर्वस भी हूँ। नहीं हो? हाँ। वैसे कितने साल की हो तुम? 18 साल की हूँ। 18? एक्सक्यूज मी मैम। यस। प्यार की जिंदगी, आपने उसमें एक्टिंग की थी, राइट? राइट। बहुत ही अच्छी एक्टिंग थी मैम आपकी। थैंक यू। वैसे पूरी तैयारी के साथ तो आई हो ना? हाँ, मेरी स्क्रिप्ट लर्न हो गई है। अरे स्क्रिप्ट नहीं रही, इंडस्ट्री में काम करना है ना, तो सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। सब कुछ मतलब एक्टिंग, डांसिंग, मार्शल आर्ट, ये सारी चीज़ें भी आते हैं? नहीं रे बच्चा, वैसे तो छोटी है, धीरे धीरे सीख जाएगी। सही कहा ना मैंने? सही नहीं, इसे इंडस्ट्री के रूल्स समझा। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि अगर उसने एक्टिंग सीखी हुई रहेगी और उसने खुद के ऊपर काम किया हुआ रहेगा तो उसे काम मिल जाएगा। मैं भी ना बचपन से इंडस्ट्री में, बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ यहाँ पर काम कैसे मिलता है। आई थिंक हो भी सकता है, बट वेल मुझे तो सिर्फ टैलेंट की वजह से ही काम मिला है। हाँ, तो मैं इसी पर फोकस करूँ। पता है मुझे कैसे काम मिलता है? Hi, Swarupa. Hi. Hi, sir. Hi. Hello, hello, sir. Hello. तैयार हो आप सब लोग? Yes, sir. देखिए, फिल्म के प्रोड्यूसर के सामने आपका ऑडिशन है, सो अच्छे से ऑडिशन दीजिए, ओके? चलो, ऑल द बेस्ट. Thank you, sir. Thank you, sir. अच्छा, आप वन बाय वन ऑडिशन के लिए अंदर जा सकते हैं। Hi, sir. अरे वाह डॉली, क्या बात है? अरे वाह विनय, ये लास्ट ईयर में ना अपने प्रोजेक्ट में किया बहुत अच्छा काम कर दिया, बहुत अच्छा काम कर दिया। हाँ, तो इसको जरा फाइनल कर दे तू। कौन सा प्रोजेक्ट बनाया था? अरे और वो पिक्चर बना था ना, रेशमा और राका का। रेशमा और राका? सर लेकिन वो तो बनी नहीं। बनेगी, टेंशन मत लो, इस फिल्म का है ना पक्का ना सर? हाँ पक्का सर, एक बार उनका ऑडिशन देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, क्योंकि चार एक्ट्रेस है मैंने फाइनल की है, उनमें से वो भी है। ओके, आइए ना, ऑडिशन दीजिए आप। रोल, रोलिंग, एक्शन। वो पापा, वो एक्चुअली ना मुझे आजकल भूलने की बीमारी हो गई है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। नहीं हाँ, ऑडिशन देने की क्या जरूरत है? हाँ, अरे वो कर देगी, टेंशन मत लो। हाँ ठीक है, आपको बुलाते हैं। Please wait outside. Sir, आप बगैर ऑडिशन देके कैसे उनको फाइनल करेंगे? अरे नहीं, उसको आता है सर, लास्ट ईयर वो प्रोजेक्ट में थी, एकदम फर्स्ट क्लास कर दी है, तू उसका टेंशन मत रख। तू डायरेक्टर है ना, मैं तुझे डायरेक्टर बना दूंगा, एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ जी हाँ, आइए। सर ये एक आर्टिस्ट हमने फाइनल की है, तो इनका भी ऑडिशन देखते हैं। हेलो सर। अरे क्या क्यूट है रे विनय, अरे कितनी बेहतरीन एक्ट्रेस है रे विनय, इसको फाइनल कर दे सर। अरे ऑडिशन देख लेते ना एक बार। अरे ठीक है, आइए। रोल, रोलिंग, एक्शन। जानती हूँ तुमसे कभी कह नहीं पाऊंगी, पर खुद से तो कह सकती हूँ ना। अरे कुछ कहने की जरूरत नहीं बेटा, विनय फाइनल कर दे। लेकिन सर आपने पहले आर्टिस्ट को भी बोला फाइनल कर दे। तो ठीक है, इसको फाइनल कर देना, वो बाद में देखेंगे। आप रुकिए सर। हाँ, ऐसा करेंगे तो मैं आर्टिस्ट फाइनल कैसे करूँगा? विनय तू डायरेक्टर है, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं सब देख लूंगा रे, तू टेंशन मत ले।
तू डायरेक्टर बनने का है ना? मैं है ना? तू सिर्फ ऑडिशन लेते रहे। हाँ आइए आइए। सर ये एक आर्टिस्ट है। हेलो। सो इनका भी ऑडिशन देख लेते हैं। ओके सर ऑडिशन? अरे ऑडिशन की जरूरत नहीं है, इतनी क्यूट है, काहे को ऑडिशन ले दिया रे तू? जरूरत नहीं है सर। लुक वाइज तो आपने जैसा बोला था वैसे हमने शॉर्टलिस्ट किया, लेकिन ऑडिशन में पता चलेगा ना सर, स्पीच उनका, एक्टिंग। अरे नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, इसको फाइनल कर दे तू। करेगी ना बेटा तू काम? हां सर बिल्कुल। हां अच्छे तरह से? हां सर। हां विनय फाइनल। रुकिए आप। नेक्स्ट। हेलो सर। हेलो सर, ये बहुत अच्छे एक्टर है। अच्छा हाँ, इनका भी ऑडिशन देखते हैं। ओके ओके आइए आइए आप। रोल रोलिंग एक्शन। नहीं शेखर नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे सपनों के साथ, मेरे उम्मीदों के साथ? अरे बस बस बस, अरे मैंने कितनी अच्छी ऑडिशन दे रही है, जरूरत नहीं है ऑडिशन देने की, उसको फाइनल कर दे। कितनी अच्छी बात है। अरे वाह मैडम, बाकी सब मालूम है ना जी? बाकी पता है सर मुझे, मुझे एक्सपीरियंस है शूटिंग का। अरे वाह वाह, अरे और अपना इंडस्ट्री के रूल्स वगैरह सब मालूम है ना? जैसे यार पासपोर्ट, आधार कार्ड, वो है मेरे पास, पासपोर्ट वगैरह है। हाँ वो चाहिए ना, हम लोग जाना पड़ेगा बाहर फॉरेन में। एक बार सर ऑडिशन देख लेते थे ना? अरे क्यों, जरूरत नहीं ऑडिशन की। फिर सर चारों आर्टिस्ट में से आप फाइनल कैसे करें? लेकिन ये अच्छी है, हाँ इसमें सब मालूम है, बाकी सब मालूम है आपको, वो पासपोर्ट वगैरह है ना? पासपोर्ट है मेरे पास। हाँ तो कभी कभी जाना पड़ेगा ना, फॉरेन में जाना पड़ेगा, स्विट्जरलैंड में जाना पड़ेगा, तो आप रेडी है ना? समझ रहे हो मैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? आपने बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। कैसे ऑडिशन के लिए बुलाया है आपने मुझे? आप जानते हैं ना मैं सिर्फ क्लीन वर्क करती हूँ, सिर्फ आपके बुलाने की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। कोई फिल्म नहीं बनाने वाला ये आदमी, ये सिर्फ फेक ऑडिशंस ले रहा है, फेक ऑडिशंस लेकर लड़कियों का इस्तेमाल करेगा। नहीं मैंने क्या बात कर रहे मैडम आप? और नहीं तो क्या, क्या कहने का मतलब था आपका? अच्छा अब मैं समझा, तभी मैं सोचूं एक से बेहतर एक आर्टिस्ट आ रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपकी नजर सिर्फ उनके जिस्म पर है, आप एक का भी ऑडिशन सुनना नहीं चाहते, उनकी एक्टिंग देखना ही नहीं चाहते। क्यों सर? पिछले एक साल से मैं आपके पीछे लगा हूं, एक साल से आपने मुझे इस प्रोजेक्ट में बिजी रखा है, ना मुझे पैसे मिल रहे हैं, ना मुझे कुछ मिल रहा है, मैं अंधेरी में रहता था, मैं विरार में शिफ्ट हो गया। आपने बोला तू आर्ट डायरेक्टर फाइनल कर, कोरियोग्राफर फाइनल कर, सारी टीम तेरी होगी, फाइनेंस में लगाता हूं, 3 करोड़ के बजट में एक अच्छी फिल्म की स्क्रिप्ट मैंने आपको दे दी, सब कुछ दे दिया, और एक साल के बाद जब आर्टिस्ट फाइनल करने की बारी आई तब पता चलता है कि आपको फिल्म बनानी नहीं, तो आपने प्रोजेक्ट शुरू क्यों किया था? ये जो आर्टिस्ट है जो अपने सपने पूरे करने आते हैं उनको फंसाने, और जो हम लोग फिल्म मेकर है, जो हम लोग फिल्म बनाना चाहते हैं सर, हमारे लिए फिल्म एक बच्चा होता है, एक माँ जैसे अपने बच्चे से प्यार करती वैसे हम फिल्म से प्यार करते हैं, हमारे लिए पैसे मायने नहीं रखते। जब हम 70 mm पे वो फिल्म देखते हैं, वो फिल्म हमारे लिए एक बच्चे को जन्म देने वाली फीलिंग होती है, और मेरे साथ मैं अकेला नहीं हूं, मेरा आर्ट डायरेक्टर विरार में रहता है, शादीशुदा है, न्यू बॉर्न बेबी है उसके घर में, वो भी मेरे साथ एक साल से जुड़ा हुआ, एक रुपया आपने उसको नहीं दिया, सपने दिखाए, उम्मीदें दिखाई, ऐसा मत कीजिए सर, लोगों के सपनों के साथ मत खेलिए, शायद आपके लिए टाइम पास हो जाता होगा, शायद आपकी उम्र ऐसी है कि आपको लग रहा होगा कि मैं कैसे समय बिताऊं, लेकिन हमारे लिए टाइम पास नहीं है, इन आर्टिस्ट की जिंदगी अदाव पे लग जाती है, और आप, जब मैं बाहर से आ रहा था तब मैंने सुना आप इनको कह रहे थे इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए सब कुछ करना पड़ता है,
एक लड़की जब दूसरी लड़की को बोलेगी कि तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो तो ऐसे लोग फायदा उठाएंगे ना क्या? नहीं उठाएंगे, बदलना पड़ेगा। आपका इस्तेमाल होता है क्योंकि आप में से कुछ लोग इस्तेमाल करने देते हैं ऐसे लोगों को। इन्हें देखिए, ये भी इसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, काफी साल से मैं इनको पहचान रहा हूं, लेकिन ईमानदारी के साथ काम करती है, अपने एक्टिंग पर काम करती है, अपने आर्ट पर काम करती है, और जो काम इनके रूम में बैठेगा वही काम उन्होंने किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी सर, मेरा एक साल बर्बाद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। ये लोग चाहे ना तो अभी के अभी कंप्लेंट करके आपको पुलिस पुलिस के हवाले कर सकते हैं। मीडिया को भी बता सकती हूँ मैं, लेकिन सिर्फ विनय की वजह से मैं अभी यहाँ चुपचाप खड़ी हूँ। और आप जैसे लोगों की वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से बॉलीवुड का नाम खराब होता है। आज लोग अपने बच्चों को बॉलीवुड में नहीं भेजते, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, सीए बनो। क्यों? क्योंकि एक माँ डरती है कि मेरी बच्ची कहीं फिल्म इंडस्ट्री में जाए, आप जैसे लोग पता नहीं उसके साथ क्या कर ले। एक बाप डरता है अपने बच्चे को भेजने के लिए। अरे लड़कियां तो दूर, लड़कों को भी लोग भेजते नहीं है कहीं फिल्म में काम दिखाने के झांसे में, उससे पैसे ना निकल पाए। ऐसा मत कीजिए सर। और सिर्फ आप ही नहीं, आप जैसे हजारों लोग, अगर आप मेरी उम्र के होते या मेरे पिता की उम्र के ना होते तो शायद मैं आपका क्या हाल करता मुझे भी नहीं पता। लेकिन हमारे माता पिता ने जो संस्कार दिए हैं वो संस्कार हमें ये अलाउ नहीं करता। हम बड़ों की आज भी इज्जत करते हैं। आज से आपका प्रोजेक्ट बंद, और हो सके तो आइंदा किसी और के साथ खेल मत खेलो। चलो।